जय हिंद दोस्तों आपका वापस स्वागत है पेट वर्ल्ड अपनी यूट्यूब चैनल पर आज का वीडियो रहेगा बीगल ब्रीड के ऊपर जानेंगे बीगल ब्रीड के बारे में इनका नेचर हिस्ट्री बिलोंग कहाँ से करते हैं नेचर क्या है रख सकते हो नहीं रख सकते हो सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों बीगल ब्रीड के बारे में जो हम जानेंगे पहले हम जानते बीगल ब्रीड के ओरिजिन के बारे में बीगल ब्रीड का ओरिजिन है इंग्लैंड में इंग्लैंड में इनको ब्रीड किया गया था छोटे हंटिंग पर्पस के लिए जैसे रैबिट का शिकार करना है ऐसे आ, ये जाने जाते हैं इनकी एक्सेलेंट जो सूंघने की शक्ति होती है उनके बार उनकी वजह से तो कहीं से भी कुछ भी चीज़ मतलब अच्छे से सूंघ के ट्रैक कर सकते हैं इसलिए इनको ब्रीड किया गया था और ओवर द टाइम ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए एज अ पेट पेट ओनर्स इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे प्रेड फ्रेंडली ब्रीड होने की वजह से तो ऐसे ये एज अ होम ब्रीड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है ये ब्रीड दोस्तों अब हमने जो बताया बीगल ब्रीड बीगल ब्रीड आपको फिजिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उस चीज़ के बारे में जानेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे सामने ये जो है ये बीगल ब्रीड का पपी है काफ़ी प्लेफुल हट्टा काट हट्टा मोटा ताज़ा पपी है देख सकते हो आप ऐसा गोलू मोलू सा पपी है अब जानेंगे देखो इनकी ब्रीड के बारे में ब्री बीगल जो होता है कॉमनली फाउंड होता है ट्राई कलर में ट्राई कलर मतलब पूरा कलर जो इनके ऊपर होता है वाइट ब्राउन एंड ब्लैक ये ट्राई कलर का कॉम्बिनेशन होता है ये एक्जोटिक लेमन कलर आता है या फिर लुटीनो कलर भी बोला जाता है इनको आ, इनके ऊपर हमेशा ऐसी पैटर्न रहती है अच्छी ब्रीड जो रहेगी उनके ऊपर पैटर्न रहेगी ये अच्छी ब्रीड की निशानी है टेल इनकी ऐसी रहती है स्ट्रेट रहती है खड़ी रहती है बैठी कभी नहीं रहती ना पिगी टेल होती है ना राउंड होती है गोल हो सकती है थोड़ी वो भी प्योर ब्रीड में ही आएगा मगर पिगी टेल नहीं होती कभी भी ठीक है बात करते हैं इनके फेशियल स्ट्रक्चर की फेस इनका हैवी होता है मीडियम टू स्मॉल साइज की ब्रीड में ये लोग आते हैं कान इनके हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे लटके हुए कान कभी भी खड़े कान नहीं होते बीगल ब्रीड के अंदर और फेस जैसे कि आप देख सकते हैवी फेस होना चाहिए एकदम हैवी चबी चीक्स होने चाहिए इनके इनके इतने हैवी हैवी ये अच्छी ब्रीड की एक निशानी है हमेशा आप जब भी ब्रीड सिलेक्ट करो अच्छी ब्रीड सिलेक्ट कीजिए ये कैरेक्टरिस्टिक है बीगल ब्रीड की और इनके क्या होता है साइज़ जो बीगल की होती है ना उनकी पैरों की साइज़ छोटी होती है हमेशा अब देखोगे तो दोस्तों जो बात हमने ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक की, की उनमें एक चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है अब ध्यान से देखिए इसके फेस के ऊपर जो ये मार्क है ना वाइट मार्क ये अच्छी ब्रीड जो होती है उनके अंदर ये पैटर्न होता है जितना ब्रॉड है जितना परफेक्ट पैटर्न है उतनी ये बेहतरीन ब्रीड के अंदर अकाउंट होती है तो ये चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिए बाकी आप ब्रीड आपको अच्छी क्वालिटी ये जो होती है फेशियल स्ट्रक्चर इनका अच्छी क्वालिटी ब्रीड का ऐसा होता है जैसे ये ब्रीड को देख पा रहे हो आप इनके चीक्स देखो कितने हैवी चीक्स हैं कितनेवी चीक्स ऐसी ब्रीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आप प्रीफर करो कि नॉर्मल ब्रीड लेने से अच्छा थोड़े पैसे ज़्यादा डालो अच्छी क्वालिटी ब्रीड हमेशा सिलेक्ट कीजिए ठीक है नहीं ये बीगल की फ्रेंडली पर्सनैलिटी के बारे में बीगल कैसी ब्रीड है ये बीगल देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है आ, क्यूरियस लाइवली ब्रीड है मतलब इनको खेलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद आता है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली ब्रीड होती है बच्चों के साथ भी आप इजीली रख सकते हो बच्चे बूढ़े सभी की मतलब कंपेनियन ब्रीड है आप किसी के भी साथ ये ब्रीड को रख सकते हो विदाउट कोई भी स्ट्रेस के बिना ये जो है ये हंटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती ब्रीड है तो कई बार इनमें ये दिक्कत दिक्कत तो नहीं बोल सकते मगर ये रहता है कि वॉक कराते कराते कुछ नई खुशबू आई या स्मेल आई तो उसके पीछे भाग जाते वो लोग ये चीज़ बीगल में कॉमन है क्योंकि इनका क्या है स्मेलिंग सेंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है ये ब्रीड के अंदर दोस्तों ये जो ब्रीड है हंटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हुई ब्रीड है तो इनको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें इनको सोशलाइज कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दूसरे डॉग से सोशलाइज होने दें बच्चों बूढ़ों के साथ सोशलाइज होने दें कोई अनदर अदर पर्सन जो भी आपको डॉग को मिल रहा है या फिर आपको वॉक पे मिल रहे हैं उनसे आप हमेशा अपने डॉग को सोशलाइज़ कराइए सबसे बेहतरीन वो है इनकी ट्रेनिंग के लिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी केयर और ट्रेनिंग की केयर और ट्रेनिंग एक वाइटल वाइटल रोल रखती है आपकी पेट कीपिंग डॉग रखने पर इनके अंदर पे ट्रेनिंग एंड केयर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत वैसे तो होती नहीं है मगर ये क्रिशियल रोल एक होता है इनका ब्रीड के अंदर देखिए अगर आप बीगल ब्रीड रख रहे हो तो कई बार आपको आ, ये इश्यू हो सकता है कि ये स्टबन ब्रीड है हंटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है तो कई बार स्टबन बिहेवियर दिखा सकती है तो आपको पेशेंस रखने हैं थोड़े से बाकी इजी टू तो ट्रेन ब्रीड है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है समझदार ब्रीड है वन ऑफ द हेल्थीएस्ट ब्रीड में से एक ब्रीड है बीमार होती ही नहीं है ऑलमोस्ट नहीं होती मतलब ऐसा समझो कि बाई चांस सौ में से एक बीगल पपी बाई चांस बीमार हुआ बीगल ब्रीड बहुत ही ज़्यादा हेल्थी ब्रीड में से एक आती है जेनेटिक इनको बीमारियों का कोई इश्यू होता ही नहीं है ठीक है दोस्तों बीगल ब्रीड के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज एक एक बहुत बड़ा फैक्टर है देखिए इनमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है ओबीस हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं डॉग्स तो इनको रेगुलरली वॉक पर लेके जाए रनिंग पर लेके जा सकते हो आप रनिंग ना करवाओ तो भी आप मिनिमम इनको वॉक अच्छी खासी दो दो टाइम की वॉक तो मिनिमम दो जिससे आपका पपी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और उनका क्या एनर्जी इसके अंदर ड्रेन हो तो दोस्तों ये वीडियो रहा हमारा बीगल ब्रीड के ऊपर बीगल ब्रीड काफ़ी अच्छी एक फैमिली ब्रीड है आप इजिली आपको इस ब्रीड को बच्चे बूढ़े सभी के साथ रख सकते हो फैमिली में इजीली ये रह जाएंगे ऐसी ब्रीड है मीडियम साइज डॉग ब्रीड है मेंटेनेंस इनकम बहुत कम आता है एक्सपेंसिव ब्रीड नहीं है एक्सपेंसिव टू कीप ब्रीड नहीं है ये ईजी टू केयर ब्रीड है शॉर्ट कोट में ये ब्रीड आती है तो आप इजीली रख सकते हो अगर आप सोच रहे हो कि एक नया फरी फ्रेंड घर पे लेके आए तो बीगल एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है लाने के लिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे अच्छी कॉमेंट करना ना भूलिए तो दोस्तों इस वीडियो पे भी हम गिव अवे रख रहे हैं गिव अवे होगा इंडियन स्पीट्स पपी का आपको वो इंडियन स्पीट्स मिलेगा कैसे आपको हमारा जो वीडियो है आपको सभी अपने दोस्त है जो भी रिश्तेदार हैं उनको शेयर कीजिए व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ पे भी आप शेयर कर रहे हो उसका स्क्रीन मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजिए जिन्होंने भी सबसे ज़्यादा शेयर किया होगा उनको हम गिव अवे में इंडियन स्पिट्स पपी फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे उनको हम दुकान पे बुलाएंगे दुकान पे यहीं पे आपको एज अ ये ब्रीड है जैसे हम आपको गिव अवे में फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देंगे शर्त ये है कि आपको 30 दिन के अंदर 10,000 व्यूज़ लाने होंगे अगर 10,000 व्यूज़ आए तो ही आपको डॉग मिलेगा वरना नहीं मिलेगा ठीक है चलिए दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर जय हिंद जय भारत